आज हमारे साथ बॉलीवुड की एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं बल्कि ईमानदारी और साफ दिल के लिए भी जाने जाते हैं। जी हम बात कर रहे हैं विंदु दारा सिंह की। आइए बातचीत करते हैं। विंदु जी, इफ़ी चल रहा है, 30 तारीख को ख़त्म हो रहा है, दारा सिंह जी की यहाँ पर फिल्म दिखाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि इफ़ी ने ये जो महान लोग हैं जो इतना कुछ करके चले गए फिल्म इंडस्ट्री के लिए, देव साहब, राजेश खन्ना, डैड, ये सब लोगों की फिल्में चलाई। मुझे लगता है जाने के बाद लोग तो याद रखते ही हैं, लेकिन मोस्टली जहाँ कुछ प्रॉफिट हो या कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशन, वो लोग ऐसी चीज़ें याद नहीं रखते। तो आई थिंक हैट्स ऑफ मोहन जी को और ये तनु जी को, सब जिसने भी ये सोचा बहुत अच्छा सोचा। एंड सिकंदर आजम देख रहे हैं अंदर, और डैड और मुमताज़ आंटी को देख के आँखें में भर आ रही हैं, इतने हैंडसम और इतने अच्छे लग रहे हैं वो लोग, तो मज़ा आ रहा है। इट्स वेरी गुड, वेरी वेरी गुड जेस्चर। स्वर्गीय दारा सिंह जी जाने जाते थे कि ज़िंदगी में कभी उन्होंने हार नहीं मानी, और वही कुछ झलकियाँ आप में भी देखने को मिलती हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हम अपने आप को बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते डैड के साथ। वो बहुत महान इंसान थे, उनके जैसे बहुत कम चंद लोग पैदा होते हैं, मतलब फरिश्ते टाइप के इंसान थे वो। तो हम लोग में लोग बोलते हैं अच्छा आदमी है, लेकिन डैडी के सामने बिल्कुल नहीं कंपेयर होता वो। उनकी कोई तारीफ करने अभी चले गए हैं, ऊपर हैं और ऊपर सब लोग। आप सोच लो कि पूरी दुनिया में कोई एक आदमी बोल नहीं सकता कुछ बुरा उनके बारे में, तो बहुत बड़ी तारीफ वही हो जाती है। लेकिन वो एक अच्छे एक्टर थे और हमेशा जान लड़ाते थे। ये फिल्म मुझे पैदा हुआ था, मुझे शूटिंग करने जा रहे थे और मैं पैदा नहीं हो रहा था, सुबह की बात है। तो डैडी ने कहा मैं जाता हूँ शूटिंग पे, और वो बेचारे घर से निकले और तब तो फ़ोन नहीं होते थे, हॉस्पिटल से निकले, होली फैमिली से घर पहुँचे, मैं पैदा हो गया तो वापस फ़ोन आया कि जल्दी आओ शूटिंग पर जाना, आके मुझे मिल के फिर सिकंदर आजम की शूटिंग करने गया। तो उनके बारे में क्या बोले, बस दुनिया जानती। आप रियलिटी शोज़ भी कर रहे हैं, मूवीज़ भी कर रहे हैं, तो ये एक जो मिक्सर है रियलिटी शोज़ में जो सच्चाई सामने आती है, बिग बॉस में वो देखने को भी मिली थी, तो इस पर क्या कहें? नहीं, बिग बॉस एक बहुत ही रियल शो है, उसमें चाहे दुनिया कुछ भी बोले, एक भी बार कोई भी चीज़ हमें बताई नहीं जाती उस घर के अंदर, किसी को भी नहीं बताई जाती, तो वो एक एब्सोल्यूट रियल रियलिटी शो है। बाकी शोज़ में हमारे कान में एक माइक लगा होता है, पीछे से कुछ बोल रहे होते हैं कि ये जो है इसका बच्चा बीमार है या इसकी माँ ये है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आती है। बिग बॉस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, तो वो बहुत ही डेंजरस शो है। इस बार भी चल रहा है, बड़ा ख़तरनाक चल रहा है, कभी कुछ ना कुछ हंगामे हो जाते हैं, लेकिन वो शो ही ऐसा है। आई थिंक वो हमेशा मतलब आदमी की फितरत बताएगा, और जो लोग अच्छे होंगे वो बिग बॉस में ठीक ठाक निकल जाएंगे, और जो बुरे होंगे उनका बुरा हाल हो जाता है। बिग बॉस कैरियर बना भी सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। भारतीय सिनेमा 100 साल पूरे कर रहा है, कई सारे बदलाव देखने को हमें मिले हैं, तो इस पर क्या कहें? बाकी सब बदलाव तो बहुत बढ़िया बदलाव हैं, लेकिन एक जो बदलाव आया है जो पायरेसी का, वो बहुत बुरा है। जिस दिन फिल्म लगती है अगले दिन वो पूरे ट्विटर पे होती है, वो क्या कौन सा टॉरेंट पे होती है, उसके सीडी आ जाती है। तो आई थिंक गवर्नमेंट भी बहुत करोड़ों रुपए लूज़ कर रही है, फिल्म इंडस्ट्री भी करोड़ों लूज़ कर रही है, तो मुझे लगता है एक बहुत ज़रूरी है। फॉरेन फिल्म क्यों नहीं आती? वो फॉरेन फिल्म एक भी आप टॉरेंट पे नहीं देख सकते, आप लाइफ ऑफ पाए अभी भी नहीं देख पाएंगे, तो मतलब वो क्यों नहीं हो रहा? तो ये आई थिंक होना चाहिए। थैंक यू सो मच।